गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और पूरा देख रहो ना दोस्तों, देख रहो पूरी भाप उग रही है, तो उग रही है। Hey guys, welcome back to my another vlog. तो भाई मेरी एंट्री कैसी लगी आज? अच्छी लगी तो भाई जल्दी से अभी से शुरुआत में ही लाइक कर दो तो बढ़िया। तो ये है मेरी रिंग लाइट और गाइज अभी हम जा रहे हैं नाइट कैंपिंग के लिए और भाई आज कैंपिंग कुछ अलग जगह है, तो बने रहिए मेरे आज के व्लॉग में और कैंपिंग के सारे इंक्वायरीज इशूज सब पूछिए, हम सब बताएंगे और क्या से क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या यूज़ हो सकता है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो अभी मैं अपनी हॉकाई को अपने हॉकाई को चलते लेके और आज जाने वाले हैं भैया जंगल में। तो दोस्तों लाइट चार्ज कर ली बिल्कुल, लेकिन मेरे को तो इतना बिलीव है कि ये 20 मिनट भी नहीं चलेगी, तो इसके लिए मैं आज डाटा केबल लेके गया हूँ, पावर बैंक पड़ा ही रहता है। और आज हमने नाइट कैंपिंग का इसलिए सोचा बिकॉज भाई अगल बगल पार्टीज चल रही है और पार्टीज में जाने का बल बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं कर रहा भाई। और भाई अभी चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट ट्रैवल के वीरा के वहाँ और करेंगे मस्ती। बने रहे मेरे आज के ब्लॉग में, कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना, ठीक है। सो गाइज अभी यार फिलहाल मैं यहाँ के आया था, मुझे पता नहीं था कि हम साइकिल में जाने वाले हैं कार में जाने वाले, तो भाई कब बहुत दिनों के बाद भाई भाई की सही हो चुकी है और इसमें जाएंगे, बैग वैग रखा हुआ अंदर। और देखो ना दोस्तों आज कार से जाएंगे और कार से जाने के बाद जंगल में जाएंगे और डीप जंगल में जाएंगे, इतना डीप जाएंगे कि आपको जंगली इलाका दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम निकल गए हैं भाई, लेके निकल चुके हैं अभी हम गाड़ी, तो चलते हैं मिलते हैं आपसे कैंपिंग स्पॉट में ब्रो। सो गाइस अभी निकल गए हैं हम अपने घर से और भाई आज गाड़ी में कैंपिंग करने, मतलब कहीं दूर का प्लान है क्या आज? बहुत खतरनाक प्लान है, बहुत घने जंगल के अंदर जा रहे हैं हम लोग। घने जंगल के अंदर का क्या मतलब है? मतलब पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाँ तो भाई आप भरे हुए हुए हैं बहुत सारे जंगली जानवर। अच्छा अरे यार तो भाई ये तो डरावनी वाली बातें मत करो यार तुम ऐसे। देखो भाई डर तो मुझे भी लगता है, गला सबका सूखता है, बट डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है तो भैया हमने माउंटेन ड्यू तो पी नहीं, ऐसे डर के आगे जीत बोल दे रहे थे। तो भाई अभी चलते हैं और कैंपिंग स्पॉट में मिलते हैं, देखते हैं क्या मतलब कहाँ लेके जाने वाला है, कौन से जंगल में लेके जाने वाला है। बता रहा है कि भाई अपना कि भाई यहाँ पे हाथी हाथी का डर है और शायद शेर वेर भी है क्या वहाँ पे? टाइगर है, टाइगर टाइगर है। सो गाइस आगे है गौला नदी का पानी और भाप जैसी उठ रही इसमें से यार, देख रहे हो ना दोस्तों, देख रहो उठ रही है, गर्म हो गए पानी। तो भाई जी देखो जंगल में जा रहे हैं, भी आगे जंगल है ना। सो गाइस अब भी भाई फाइनली हम जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं, देख रहे हो ना भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और पूरा का पूरा इलाका जंगल है भाई। तो यही लगा रही है क्या? कैंप तो इधर लगा रहे हैं। अच्छा झाड़ियाँ ले जाते हैं। अच्छा झाड़ियाँ ले जाते हैं। और तो गाइस अभी कैंपिंग स्पॉट में पहुंच चुके हैं और भाई पूरे की पूरा मतलब भाई जंगल है पूरा का पूरा इलाका और यहाँ से इसको क्या हो फैन। तो गाइस यहाँ से सूखा सूखा माल जो होता है ना भाई लकड़ी जलाने के लिए, तो वो लेके चल देते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं भाई दोस्तों, भाई टेंट वेंट लगाते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से लेके चलते हैं क्या सूखी हुई झाड़ियाँ लेके चलते हैं और लगाते हैं भाई फायर थोड़ा सा जंगल में, तो जंगल में थोड़ा सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हानि भी नहीं पहुँचानी है, तो चलते हैं अभी लगाते हैं फिर दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी फिलहाल अभी हम टेंट के अंदर आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सुनसानी थी भाई, तो मेरे को डर लगी, मैंने बोला है भाई सूट वूट तो क्या ही करे, डायरेक्ट टेंट पिच करते हैं, डायरेक्ट टेंट के अंदर घुसते, सामान वामान सारा अंदर रख लिया, गड्डी अपनी अपनी बाहर है
और फिलहाल अभी हम आज क्या क्या लेकर आए दिखाते हैं आपको। आज हम मैं लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रिस्पो और एक कम्बल लेकर आया था, और बाकी सारा सामान भाई गाड़ी में भाई ने पूरा पहले से ना 6 बजे से पैक कर लिया था और भाई बता ही रहे थे। तो भाई आज हमारे पास है एक और ब्यूटेन गैस और उसके साथ में एक और ले आया, क्योंकि बिकॉज भाई पिछली बार आधी यूज़ कर ली थी। और एक छोटा सा स्टोव है हमारा, ये लिटिल है, मतलब सबसे छोटा, मतलब हाथ में हम लेकर भी घूम सकते हैं और पन्नी वन्नी ईजी कैरी कर सकते हैं। तो भाई अभी हम नॉर्मल कैंपिंग कर रहे हैं, बाद में तो हम ज़्यादा खतरनाक वाली कैंपिंग करेंगे ना, जो मतलब 2-2 महीने 3-3 महीने वाली होने वाली है। तो दोस्तों अभी हम ये लेकर आए और गैस लेकर आए, साथ ही साथ में भाई आपको बता दे रहा हूँ ये है ब्यूटेन गैस। तो भाई इसको अच्छे से स्टोर करना, मतलब अच्छी जगह से रखना, बाकी ये जब ज़्यादा मूवमेंट में आता तो ये ब्लास्ट होने के भी कारण हो जाते हैं। तो अभी तो हम लेकर आए बड़ा कुकर और आज हम बनाने वाले द्वार से नॉनवेज। तो गाइस फिर अभी बनाते हैं, फिर यार दिखाते हैं आपको कैसे बनता है नॉनवेज, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसे देख कर सीख सकते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई नॉनवेज खाता होगा, और अगर नॉनवेज वाले हो तो आप हमारा नॉनवेज सीख सकते हो कि हम कैसे बनाते हैं, हम कितनी जल्दी बनाते हैं और कितना इजीली से बनाते हैं, और इस परिस्थितियों में भी कैसे रहा जाता है आपको दिखाएंगे ज़रूर। टेंट में भी रहना अच्छा होता है भाई दोस्तों, अगर आपके पास टेंट है तो आप भी यूज़ करो और हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ जल्दी से जल्दी। तो आज अभी तो हम राजस्थान मिलने वाले हैं, राजस्थान के बाद हम राजस्थान में तो हम सारे दिन ही लगाएंगे टेंट, अगर बाय चांस मतलब हमारे पास बैटरी बैकअप ना रहा तो मुश्किल से कभी मतलब 10-10 दिनों में हम शायद रूम टेक करेंगे, वो भी करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा फाइनेंशियल स्थितियां देख के। तो दोस्तों अभी हमारे पास अनियन है, टमाटर्स है और बहुत सारे मसाले है, इंग्रेडिएंट्स है, और आज द्वारा हम चिकन लेकर आया तो चिकन बनाएंगे। तो बढ़िया करके भाई आपको दिखाते हैं अब कैसे बनता है चिकन। सो गाइस जब तक भाई अपना प्याज व्याज काट रहा है तो मैं बना लेता हूँ थोड़े से चावल। चावल बनाने में बहुत कम समय लगता है, तो हमने सोचा कि भाई हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चावल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही है चूल्हे के ऊपर रखने वाला सामान। तो अभी हम चावल बना लेते हैं, उसके बाद हम लिक्विड वाला मतलब चिकन बना लेंगे बाद में। भाई चावल तो हम ठंडे भी खा लेंगे, लेकिन भाई चिकन ठंडा हो गया तो स्वाद बेकार हो जाएगा। तो फिर हम पहले चावल बना लेते हैं, फिर उसके बाद चिकन बनाएंगे। चलो इसको लगा तो लेते हैं, भूल गया था मैं। सो गाइस रेगुलर तो अपना भाई लगाता है, क्या लगाता है ये जो ब्यूटेन गैस है, ये वाला खाली है, वाला खाली था, ये वाला है कम, वाला है ये कम है, ये कम है ना। तो गाइस ये वही है ब्यूटेन गैस जो पिछले बार लगाया था। तो हमें लगाना ऐसा होता है, तो गाइस फाइनली यार लगा दिया मैंने भी मैं बहुत देर के बाद देखा कि एक ही तरफ से छेद था, मत लगा रहा बस सही हो रहा है। तो गाइस गेट सेट लेट्स गो। सो गाइस होता यू है ना यार, टेंट के अंदर ऐसा लगता है कि चारों तरफ बस टेंट ही टेंट है और सोचना नहीं हुआ कि हम किस जगह में हैं, और अपना हल्के से बात करनी हुई और बाय चांस यार कुत्ते उत्ते तो भौंक रहे, साथ ही साथ में चिड़िया भी चल रही है, लेकिन हमें इंतज़ार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता है, बहुत से लोगों को दिखा है यहाँ पे, एक तो बाघ वाघ दिखता ही है और साथ ही साथ में हाथी दिखता है, और हाथी का तो एक पाँव स्टैंड के बराबर होता है। तो गाइस हम यार क्या करें, और सो गाइस फाइनली यार जो हमने चावल रखा था ना भाई, वो चावल एकदम बढ़िया वाला बन चुका। अब इसको ना डायरेक्ट से ना डायरेक्ट जाके डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद भाई हमें बनाना है नॉन वेज। तो गाइस नॉन वेज के लिए आप तैयार हो ना, तैयार हो तो रुके रहो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जल्दी से यार शेयर कर दो यार, बहुत ज़रूरत है यार आपकी, बहुत ज़रूरत।
सो गाइस भाई खाना वाना बन गया था, खाना वाना बन गया था और चावल पहले बन गया था भाई। चावल तो ठंडे हो गए फिलहाल, ये थोड़ा गर्म है तो चावल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे हम खाते हैं यार जल्दी से, ऑफिस का सोना भी तो है भाई, बहुत अंधेरा जैसा हो रहा है और मुझे ना ठंडा जैसा लग रहा है या क्यों कुछ हो रहा है, मेरा सिर में दर्द हो रहा है। मैं चल तो बताता हूँ फिर आपको कैसा रहता है, टेस्ट करते हैं चिकन फिर बाद में दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो गाइस खाना वाना खा लिया था और सारा सामान पैक कर दिया है, क्योंकि भाई सुबह सामान पैक करने में अच्छा नहीं लगता है, मतलब अभी सो के ना, मतलब सोने से पहले सब कुछ पैक कर दिया तो बढ़िया है। तो सुबह उठेंगे प्यार से, टेंट निकालेंगे अपना और फिर उसके बाद भाई अभी तो हम सोते हैं फिलहाल बढ़िया करके, और नींद आ रही बहुत तेज, क्योंकि भाई ये जो इसके नीचे है ना भाई पत्थर ही पत्थर है, कैसे हम लेटे हैं आपको पता भी नहीं होगा। तो सोते यार आराम से, मिलते हैं आपसे कल सुबह। गाइस ठंडा लग रहा था भाई बहुत, रात में उठ भी गया था, रात तो उठ गया था। उसके बाद भाई मुर्गों ने मेरे को उठा दिया, ठंडा भाई बाहर का नज़ारा कल रात तो नहीं दिखा पा। तो भाई पूरी रात इन मुर्गों ने परेशान करा हुआ था, मतलब रात में भी चिल्ला ही रहते, अभी भी चिल्ला ही रहते, और जो होते नहीं है फॉक्स कहते हैं या सियाल कहते हैं आप, सियाल या लोमड़ी जो भी होती है, वो आऊँ 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 रात भर चिल्लाने में लगी हुई थी। तो हमने तो सोचा ये तो चिल्लाते रहेंगे, हम सो जाते हैं क्योंकि ऐसे हमारी नींद में डिस्टर्ब होता तो सिर दर्द होता है, हेडेक हो जाता, तो बहुत कुछ कारण हो जाते हैं। तो अभी तो सो रखे थे हमने भाई, स्लीपिंग बैग भाई हमने चेस्ट के नीचे दबाया था ताकि गर्म रहे एकदम, और ये जो कम्बल लेकर आए थे ना दो दो कम्बल ओढ़े थे। बाकी अभी भाई थोड़ा अभी उजाला अच्छे से नहीं आया भाई, थोड़ा और सोते हैं, मतलब सोते का मतलब लेटते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं फिर दोस्तों बाहर की तरफ को और फिर चलते हैं कैंपिंग स्पॉट पर छोड़ के। तो गाइस यार 15-10 मिनट और वेट किया तो भाई भी अपना पूरा तरीके से उड़ गया था। तो भाई उठो टो टो टो, तो गाइस चलते हैं बाहर की तरफ को, दिखाते हैं आपको कैंपिंग लोकेशन। तो भाई ओ भाई गाइस देख रहे हो ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी और चारों तरफ अपने आप ही जंगल है। और तो और भाई नींद का तो पूछो ही मत, नींद पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी रात में। और क्या हो गया, अच्छा ये रील्स शॉर्ट्स बनाते हैं ना तो बात अलग है। गाइस चलते हैं भाई, अब इसको जल्दी से पैक वैक करते हैं, और रात में आग जलाने वाले थे नहीं जला पाए, वो भी भूल गए हम। और तो और एक बार के लिए लगा कि भाई ठंडा उसमें बहुत होने लग गया था, पता नहीं क्यों हो रहा था, मतलब हमने सही कर रहा था एकदम पूरा जैकेट वैकेट ओढ़ के। फिर तो चलते हैं अभी यार इसको सेट करते हैं, मतलब पैक वैक करते हैं, फिर आपको सनराइज़ दिखाएंगे, बिकॉज सनराइज़ आजकल थोड़ा लेट हो रहा है, तो दिखाते हैं आपको सनराइज़। सो गाइस इसी एरिया में हमने लगाया था कैंप और टेंट वेंट यहीं पे, और सब कुछ निकाल लिया। और भाई देख रहो पूरा ऐसा जंगल था, जंगल में पता नहीं ज़्यादा असर हुआ तो नहीं, वैसे लोमड़ियाँ बहुत भौंक रही थी और बीच में बहुत ही तेज चिल्लाए तो जीसा हो रहा था। तो भाई हमने जंगल, तो गाइस कोल्ड स्टार्ट हुई थी गाड़ी और 5 मिनट रुके थे, इसको वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये बचपन से जब से आई है तो ऐसे ही चाबी घुमाते ही चलने लग जाती है। तो गाइस अभी निकलते हैं और आपको नदी के किनारे मिलते हैं और सनराइज़ दिखाते हैं आपको प्यारा सा, तो मिलते हैं आपसे सनराइज़ के वक्त में, ठीक है दोस्तों। Thank you.
अबे यार गाइस भाई हमें तो पता ही नहीं था भाई यहाँ पे सनराइज हो चुका पूरा का पूरा। देख रहे हो ना भाई, हम तो जंगल के अंदर था, हमें लगा कि भाई सन निकला ही नहीं है बिल्कुल भी, सन पूरा का पूरा निकला हुआ देख रहे हो दोस्तों, पूरा का पूरा। और कैसा लग रहा है ना भाई, कितना प्यारा सन लग रहा है ना, एकदम सर्कल कहते हैं ना जिसे, सर्कल गोल अंडा आकार पूरा वही आ रहा है यार पूरा का पूरा। तो देखो दोस्तों ये है सन, सूर्यदेव। इन सूर्यदेव का भी बहुत अलग अलग मोटिव है, अगर यही ना होते तो हमारी ज़िंदगी में उजाला ही नहीं होता। तो सत सत नमन और प्रणाम, हे सूर्यदेवाय नमः, हे सूर्यदेवाय नमः। तो गाइस यार चलते अब, हमने टेंट टेंट सब कुछ निकाल दिया था, आपने देखा ही था, और डायरेक्ट चलते अब घर की तरफ का, ठंडा भी बहुत हो गया, और करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, तो भाई ज़रूर जाके बताओ एकदम बढ़िया करके यार, मेरी एंट्री से लेकर मेरा एंड तक भाई सारा कुछ बताओ भाई ब्लॉग कैसा लगा। और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर दो यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए मेरे चैनल में।